आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कच्चे आम का सूखे अचार की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और एकदम सूखे होते हैं और सालों साल खराब नहीं होते हैं। तो सूखे अचार बनाने के लिए आप देसी वाले जो आम होते हैं वो ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर नहीं मिलता है तो आप कोई भी आम ले सकते हैं, और जब भी लीजिए आप तो ये डाल से हाथ के तोड़े हुए लीजिएगा। तो ये देखिए, देखने में ये इनमें शाइनिंग होती है, और जो गिरे हुए होते हैं ये इनमें ऐसी शाइनिंग नहीं होती, ये गिरे होते हैं, मिट्टी लगी होती है, तो ये जो है वॉश करके ये लोग बेचते हैं। और ये जो होते हैं डाल के टूटे हुए, इनमें देखिए शाइनिंग होती है, और अगर हम इनको वॉश करेंगे तो और अच्छे शाइनिंग आ जाएगी। तो सबसे पहले जब भी हम अचार बनाएंगे तो पहले इनको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, और वॉश करने के बाद इनको अच्छे से पोंछ लेंगे, और ये जो चोपी वाला पार्ट होता है इनको हम चाकू से अच्छे से कट कर देंगे। उसके बाद हम इस तरह का, अगर आपके पास कटर है तो आप इस तरह से इसको चार पीसेस में कट कर लीजिए, या फिर आप मार्केट से कटवा सकते हैं। तो मेरे पास ये काटने वाला था लेकिन इसमें धार थोड़ी सी कम थी तो मैंने मार्केट से ही कटवा लिए थे। तो ये देखिए, मार्केट में हम कटवाते हैं तो आम धो तो सकते नहीं हैं, तो हम घर पे लाते हैं। तो उसके बाद हम इनको जो इनकी गुठलियाँ इनको निकाल देंगे, और ये जो चोपी वाला ऊपर का पार्ट होता है इसको निकाल देंगे, और अच्छे से बाल्टी में पानी भर के और इसको अच्छे से वॉश कर। तो ये देखिए, मैंने इसकी गुठलियाँ निकाल दी हैं, और इसमें जो पतली सी परत रहती है उसको भी निकाल दिया। आप चाहें तो इसको जो है और छोटा भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ऐसे लंबाई में ही चार पीस रखा है। बाल्टी या टब कोई भी चीज लेंगे, उसमें आम को डाल के अच्छे से वॉश करेंगे। तो इस तरह से हम एक एक अच्छे से वॉश करेंगे, और इस तरह से हम जालीदार किसी भी चीज में रखते जाएंगे जिससे इसका पानी निकल जाएगा। देखिए, मैंने आम को वॉश कर लिया और अच्छे से इसका पानी निकल गया। तो अब हम एक कपड़े पे इसको इस तरह से रखेंगे, और फैन के नीचे या फिर आप थोड़ी सी धूप दिखा दीजिएगा आधा घंटे की, जिससे ये सूख जाएगा, क्योंकि ये हमने जो है काटने के बाद धोया है तो इसको सुखाना जरूरी है। तो ये देखिए, जो हमने आम को धो के रखा था तो वो जो एक्स्ट्रा पानी था वो सूख गया है, और इसका जो नेचुरल पानी है वो इसके अंदर अभी है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बड़ा भगोना या फिर कोई टब ले लेंगे, और इसमें हम इसको आम को डाल देंगे। तो अभी मैंने इसमें जो है आधा आम डाला है, और अब हम इसमें 2 चम्मच नमक ऐड कर देंगे और 1 चम्मच हल्दी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम इस तरह से डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, और नमक भी और ऐड कर देंगे। तो टोटल हम इसमें 4 चम्मच नमक ऐड करेंगे, और हल्दी जो है 2 चम्मच। मैंने शाम को कटवा के लाई थी, और सारा काम निपटने के बाद मैंने इसे रात में 11 बज रहे हैं इस समय, इसको मैंने नमक और हल्दी मिक्स करके रख दिया, और अब हम इसे ढक के रख देंगे, और फिर इसको हम सुबह देखेंगे, और उसके बाद फिर हम इसको मिक्स कर देंगे। पूरा दिन भर हम इसको कल भी रखेंगे। तो पूरे 1.5 दिन हो गए हैं आम को इस तरह से रखे हुए, और ये देखिए इसमें से पानी कितना छोड़ा, और इसको मैंने कई बार ऊपर नीचे इस तरह से कर दिया था। तो अब ये जो पानी है इसको अब हम अलग हटा देंगे, और आम को अलग हटा लेंगे। तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये मैंने जालीदार बर्तन लिया, इसके नीचे एक प्लेट रख दी, इसी में हम आम को निकाल लेंगे। देखिए, मैंने आम को अलग कर दिया और ये पानी अलग कर दिया। पानी की अब हमको ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो है पानी वाला अचार बना रहे हैं, जो एक राजस्थानी पानी का अचार होता है, उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो अगर वो बनाना चाहें तो आप इस पानी का यूज कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने अलग कर लिया है आम को, और आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया। इसे मैंने 1.5 दिन इसी तरह से रखा था, और चलिए अब हम इसे धूप में सुखाने के लिए ले चलेंगे। इसको हमको सुखाना है, तभी हमारा सूखा अचार तैयार होगा। अब हम आम को इस तरह से डालेंगे, ये ऊपर पार्ट रहेगा ये वाला, और छिलके वाला पार्ट नीचे रहेगा, और इसे हम 3 से 4 घंटे अच्छी कड़ी धूप में सुखा लेंगे। तक आम सूख के तैयार होते हैं, हम अचार का मसाला बना लेते हैं। तो ये मैंने धनिया ली है खड़ी वाली, इसे हम लेंगे 4 चम्मच, और ये मैंने तीखी वाली लाल मिर्च ली है, इसे आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, या फिर 2 चम्मच इसे ले सकते हैं, और हल्दी पाउडर 2 चम्मच, जीरा
दो चम्मच, मेथी एक चम्मच, सौंफ दो चम्मच, कलौंजी एक चम्मच, और ये मैंने ली है चिली फ्लेक्स, तो ये जो है देखने में अच्छा लगेगा इसलिए मैंने ली है। या आप पूरी जो है चिली फ्लेक्स ले सकते हैं, घर की कुटी हुई मिर्च लीजिएगा, चिली फ्लेक्स जो मार्केट में मिलती है उसे ना लीजिएगा, घर में ही आप इसे कूट के लीजिएगा तो अचार के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये 2 चम्मच मैंने पीली सरसों ली है, 1 चम्मच अजवाइन, हींग, ये सफ़ेद नमक और मस्टर्ड ऑयल, ये 1 कटोरी लगेगा। तो चलिए अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई गर्म होने के बाद हम फ्लेम को स्लो कर देंगे। पहले हम मेथी को डाल के हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी कढ़ाई गर्म नहीं है, तो हम इसको बस ऐसे हल्का सा गर्म कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे। कलौंजी हल्की सी गर्म हो गई है, अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसके बाद हम मेथी डाल के मेथी को भी गर्म कर लेंगे। इसको भी हमको बहुत ज़्यादा नहीं गर्म करना है। ये सारे मसाले मैंने 1.5 किलो आम के लिए बताए हैं। और ये देखिए मेथी भी अब गर्म हो गई है, इसे भी निकाल लेते हैं, हल्का सा इसमें खुशबू आने लगी है। अब हम कढ़ाई में ऐड करेंगे 4 बड़े चम्मच धनिया, 2 चम्मच सौंफ और ये अजवाइन, जीरा भी ऐड कर देंगे। और सभी मसालों को अच्छे से खुशबू आने तक भून लेंगे, हल्का सा जब ये चिटकने लगेंगे। तो ये लीजिए मसाले अच्छे से भून गए हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं कढ़ाई से और ठंडा होने देते हैं। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कढ़ाई गर्म है अभी, तो हम इसमें ये सरसों डाल देते हैं, ये हल्के से गर्म हो जाएंगे तो इनको हम हटा लेंगे। तो देखिए ये सरसों गर्म हो गए हैं, इनको भी हम हटा लेते हैं। और ये सरसों और जो हमने मेथी को भून के रखा है, इनको हम एक बार मिक्सी में डाल के बस एक बार चलाएंगे और ज़्यादा नहीं, बस इसके 2 टुकड़े हो जाएं। घर में यूज करते हैं खाने के लिए, इसी से मैंने 2 चम्मच हल्दी डाली है और इसी से हम मिर्च भी ऐड करेंगे। तो मिर्च आप अपने अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं, मैंने 1.5 चम्मच डाल दी और बाद में ज़रूरत होगी तो डाल लेंगे। 1/2 टीस्पून हींग डाल देंगे और ये जो सरसों हमने लिए इसे भी हम 2 टुकड़ों में कर लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने सरसों को ग्राइंड कर दिया इस तरह से, इसे भी हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और बाकी के मसाले जो हैं इनको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इनको हम दरदरा पीसेंगे, इनको जो है थोड़ा सा महीन रखेंगे इन सबसे। तो ये लीजिए ये भी मसाले इसके तैयार हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये भी दरदरे से हैं, एकदम महीन नहीं पीसना है। तो इसी में हम ये सरसों वाला भी मसाला ऐड कर देते हैं। तो सारे मसाले हमारे रेडी हैं, अब हम आम को लाते हैं और फिर इसको आम के साथ में मिक्स करेंगे। तो ये देखिए 4 घंटे में आम अच्छे से सूख गए हैं, अब हम इन्हें एक बड़े बर्तन में ले लेंगे जिसमें हम अच्छे से इसमें मसाला मिक्स कर सकें। हम इसमें ये सरसों का तेल मिक्स करेंगे, इसमें हमको मसाला कोट करना है इसलिए पहले हम इसमें तेल लपेट लेते हैं अच्छे से, कि जिससे मसाला इसमें अच्छे से लिपट जाएगा। तो ये जो हमने मेथी और कलौंजी वाला मसाला लिया है, इसमें हल्दी मिर्च ये सभी चीज़ें मिक्स हैं, इसको डाल के अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे। और फिर इसके बाद ये जो हमने धनिया सौंफ वाला मसाला लिया था, इसको हम थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते जाएंगे। हाथों में आप ग्लव्स पहन सकते हैं। और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है अचार में, जिससे कि ये प्रिजर्वेटिव रहे। तो तेल जो मैंने लिया है ये कच्चा ही है, इसको मैंने पकाया नहीं है, आप पका के भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम और डालेंगे नमक। तो इसके पहले भी मैंने अचार की कई रेसिपी आपके साथ शेयर की है, तो आप उसे भी देखिएगा, आप लोगों ने उसे पसंद भी काफ़ी किया है, ये भी आप डाल के देखिएगा, ये भी अचार बहुत अच्छा लगता है। अचार हमारा बनकर तैयार है, अब हम इसे जो है कपड़े से कवर करके रख देंगे
1 से 2 दिन के लिए इसी तरह से रख सकते हैं, या फिर आप मर्तबान में भी भर के कपड़े से ही बंद करके रखिएगा। इसको ढक्कन अभी ना लगाइएगा, कपड़े से ढक के रखिएगा। उसके बाद ये थोड़ा सा कम हो जाएगा सूखने के बाद, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा अगर थोड़ा सा तेल की ज़रूरत है, या फिर टेस्ट करके देख सकते हैं नमक मिर्च की ज़रूरत है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और ये जो मसाला बचा है इससे आप दूसरा भी अचार बना सकते हैं। तो ये देखिए अचार को मैंने थोड़ी देर रख दिया था तो ये मसाले अच्छे से चिपक गए हैं। और ऐसे ही आप थोड़ी देर रख के, और फिर जब मसाले अच्छे से चिपक जाएं, थोड़ा अचार गीला हो जाएगा, तो उसके बाद आप सारा मसाला अगर डालना चाहें तो इस तरह से सारा मसाला डाल सकते हैं, या फिर मसाला बचाना चाहें दूसरे भी मसाले उसमें अचार में यूज कर सकते हैं। तो ये जो मैंने मसाले बताए हैं ये 1.5 से 2 किलो तक अचार के लिए परफेक्ट है। आप इसको 2.5 किलो तक भी कर सकते हैं अगर कम मसाले का चाहिए तो। अब हम इसे एक इस तरह का मर्तबान ले लेंगे, जो भी आपके पास है, कांच का या प्लास्टिक का भी ले सकते हैं। आजकल तो मार्केट में भी प्लास्टिक में ही मिलता है, लेकिन जहाँ तक हो कांच में ही रखिए। कांच के या चीनी मिट्टी के बर्तन में रखने से अचार ज़्यादा अच्छे रहते हैं, और प्लास्टिक जो है वैसे भी आप सब लोग जानते हैं हम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो अब हम ये अचार को इस तरह से रख देते हैं, और इसमें आप डालना चाहें तो थोड़ा सा सिरका भी डाल सकते हैं। इससे जो अचार काफ़ी दिनों तक चलेगा, प्रिजर्वेटिव हो जाता है विनेगर से, तो आप वाइट वाला इसमें विनेगर डाल सकते हैं। हम इस सारे मसाले को इस मर्तबान में फिल कर लेंगे। जितनी आप अचार की कली उठा रहे हैं तो ऐसे मसाला साथ में उठा के इस तरह से रखते जाइएगा, तो इसमें अच्छे से मसाला कोट हो जाएगा। चम्मच भी एकदम साफ होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। अगर गीला होगा हाथ या फिर चम्मच जिससे भी निकाल रहे हैं तो अचार खराब होने का डर रहता है। अब हम इस तरह से इसको अच्छे से फिल कर देंगे। तो ये देखिए मैंने सारे मसाले के साथ में आम को अच्छे से इसमें फिल कर दिया। जो थोड़े से बचे हैं उनको हम अलग कर लेंगे, और बस हम इसको इस तरह से रख देंगे और किसी कपड़े से कवर करके रखेंगे। इसमें अभी ढक्कन नहीं लगाना है। देखिए बहुत ही अच्छा और चटपटा अचार बनकर तैयार हुआ है। आप ही इसे बनाइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन आएगा उसे जरूर प्रेस कीजिए अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।